सब्जियां बेचने से लेकर मशहूर डॉक्टर बनने तक का सफर। हम अक्सर डॉक्टरों द्वारा वसूले जाने वाले बढ़ते परामर्श शुल्क के बारे में शिकायतें सुनते हैं। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग चिकित्सा जगत पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि हम इसे एक उद्योग में तब्दील होते देख रहे हैं, जहां सालाना मुनाफा केंद्र में आ गया है और मरीजों की सेहत को हाशिए पर धकेल दिया गया है। लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में कुछ अपवाद होते ही हैं। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अपवाद है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक झोपड़पट्टी में रहकर सब्जी बेचने से लेकर एक कैंसर विशेषज्ञ बनने तक की उनकी कहानी बिल्कुल अनोखी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीत पक्की में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरी, और आज की स्टोरी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने सब्जी बेचने से लेकर कैंसर विशेषज्ञ बनने तक का सफर पूरा किया है। इनका नाम डॉक्टर विजय लक्ष्मी देशमाने है। पर स्टोरी की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल जीत पक्की पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी देशमाने के संघर्ष और सफलता तक के सफर के बारे में। डॉक्टर विजय लक्ष्मी देशमाने ने जिंदगी के कई पहलू देखे हैं। देश के सबसे पिछड़ी हुई जातियों में से एक में जन्म लेने से झुग्गी झोपड़ियों में रहने तक, सब्जी बेचकर गुजारा करने से लेकर एक डॉक्टर बनने तक उन्होंने सब कुछ अनुभव किया है, और अब वे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रही हैं। हम अक्सर आजकल के डॉक्टर्स के मोटी फीस ऐंठने से परेशान रहते हैं। देखा जाए तो अब तो इस पेशे की ईमानदारी पर भी सवाल उठने लगे हैं। डॉक्टरों के लिए मरीज को ठीक करने से ज्यादा मुनाफा कमाना जरूरी हो गया है, पर हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता। इन स्वार्थी डॉक्टरों की भीड़ में एक उदाहरण ऐसा भी है जो भीड़ से बिल्कुल अलग है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक झोपड़पट्टी में रहकर सब्जी बेचने से लेकर एक कैंसर विशेषज्ञ बनने तक की उनकी कहानी बिल्कुल अनोखी है। विजय लक्ष्मी भारत की सबसे होनहार ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञों में से एक, कर्नाटक के कैंसर सोसाइटी की उपाध्यक्ष और कई अवार्ड्स की विजेता है। देशमाने उपनाम कैसे मिला? विजय लक्ष्मी देशमाने भारत के सबसे पिछड़ी माने जाने वाली जाति से आती हैं। इनकी जाति के लोगों को मोची कहा जाता है। ये लोगों के फटे हुए जूते सिलने का काम करते हैं। इनके पिता बाबूराव आजादी की लड़ाई से बहुत प्रभावित हुए और पिछड़ी हुई जातियों को भी बढ़ावा देने में यकीन करने लगे। हालांकि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जाति और परंपराओं की हर दीवार तोड़कर अलग अलग भाषाएं जैसे कि कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी सीखी। सन 1955 में एक भाई और 6 बहनों के बाद विजय लक्ष्मी का जन्म हुआ। इनका 10 लोगों का परिवार इनकी बुआ के दिए एक छोटे से मकान में रहता था। ये मकान एक झुग्गी में हुआ करता था। एक वक्त की रोटी कमाना भी उस समय बहुत मुश्किल था, और बाकी सुख सुविधाओं की चीजें तो जैसे सपने के समान होती थी। बच्चों को पालने के लिए विजय लक्ष्मी के माता पिता ने बहुत संघर्ष किया, कई तरह के काम किए। वे जंगल से लकड़ी काट के बेचने का काम भी कर चुके थे। बच्चों के भरण पोषण के लिए विजय लक्ष्मी के पिता ने कूली का भी काम किया। आखिर एक दिन उनके पिता को एक मील में नौकरी मिल गई। वे लोगों में इतनी जल्दी खुल मिल जाते थे कि लोग उन्हें देशमाने बुलाने लगे। इसके बाद उनके पिता ने अपना उपनाम ही देशमाने रख लिया। विजय लक्ष्मी का नाम पंडित नेहरू की बहन तथा भारत की प्रथम यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षा विजय लक्ष्मी पंडित के नाम पर रखा गया था, और देशमाने की बेटी होने के नाते इनका उपनाम रखा गया देशमाने। दोस्तों, आपको विजय लक्ष्मी की अब तक की स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहने का मोटिवेशन मिलता है। माँ ने मंगल सूत्र देकर बनाया डॉक्टर। इनके पिता का एक ही सपना था कि ये एक डॉक्टर बने और गरीब और दुखी लोगों की सेवा करे। झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए भी इस तरह का सपना देखना अपने आप में एक अनोखी बात थी। इसी बात से
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय लक्ष्मी के पिता बच्चों के लिए कितनी आशावादी सोच रखते थे। इसी दौरान उनकी माँ ने एक छोटी सी सब्जियों की दुकान खोली। विजय लक्ष्मी और उनका भाई माँ की मदद करने के लिए इन सब्जियों को सर पर लाद कर लाते थे। विजय लक्ष्मी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर ये जान गई थी कि वो 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाएंगी। वे जानती थी कि अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण माता पिता उन्हें आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता को विजय लक्ष्मी के बाकी भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना था। जब विजय लक्ष्मी को KMC हुबली में MBBS के एंट्रेंस परीक्षा के लिए जाना था, उस रात उनकी मां ने अपना एकमात्र गहना, अपना मंगलसूत्र उनके पिता के हाथ में रख दिया ताकि वे उनकी पढ़ाई के लिए कर्जा ले सके। विजय लक्ष्मी कहती है कि आज वो जो भी है वो अपने माता पिता और भाई बहनों की वजह से है और उन्हें नहीं लगता कि वो उनका ये एहसान कभी भी चुका पाएंगी। पहले फेल हुई, फिर यूनिवर्सिटी में अव्वल आई। MBBS करने से पहले विजय लक्ष्मी ने अपनी पूरी पढ़ाई कन्नड़ में की थी। MBBS में उन्हें लेक्चर्स तो समझ में आते थे, पर अंग्रेजी कच्ची होने की वजह से वह फर्स्ट ईयर में फेल हो गई। पर वहाँ के प्राध्यापकों की मदद से सेकंड ईयर में आने तक उन्होंने अंग्रेजी भी अच्छी तरह से सीख ली और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फाइनल में वे पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो पूरे घर में जश्न का माहौल था। इसके बाद वे MS करने चली गई और फिर किदवई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की हैसियत से काम करने लगी। विजय लक्ष्मी स्तन कैंसर की विशेषज्ञ बनी। उनके इस पूरे सफल में उनके सहकर्मियों और मरीजों ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। विजय लक्ष्मी को अपने काम से प्यार है। वे मानती हैं कि किसी भी इंसान को निरंतर सीखते रहना चाहिए। वे अपने मरीजों से हमेशा संपर्क में रहती हैं ताकि उन्हें अच्छी तरह जान सकें। जब वे ऑपरेशन करती हैं तो अपना सारा डर ईश्वर को सौंप देती हैं। ईश्वर ही उन्हें सफल होने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक निमित्त मात्र हैं। वे मानती हैं कि उन्हें बनाने में उनके गुरुओं का, उनके माता पिता की परवरिश का और उनके मरीजों के प्यार का ही हाथ है और ये भगवान की ही देन है कि वे एक ऐसे पेशे में हैं जिसमें उन्हें लोगों की जान बचाने का सौभाग्य मिलता है। ये एक बहुत लंबा सफर रहा और वे 2015 में रिटायर हो गईं, पर उन्हें लगता है कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारे उपनिषदों में लिखा है वैद्यो नारायणो हरि, अर्थात डॉक्टर भगवान समान होता है। विजय लक्ष्मी की कहानी इस बात को सार्थक करती है। एक फूल जो झोपड़ी की गंदगी में फला, ना जाने कितनों को जिंदगी की खुशबू से सराबोर कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। सिर्फ डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने ही नहीं बल्कि उनकी बहनों ने भी जीवन में सफल होकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उनकी 4 बहनें PhD कर चुकी हैं और अपने अपने क्षेत्र में बेहद सफल हैं। हम डॉक्टर विजय लक्ष्मी देश माने तथा उनके परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कहानी और भी कई लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर विजय लक्ष्मी देश माने की ये स्टोरी कैसी लगी है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश, जुनून और जज्बे से भरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।